Hi everybody, today we are going to discuss about the cannabis indica. Cannabis indica यानी कि भांग जिसको आप कहते हैं आम जबान में. ये आप देख रहे हैं ये प्लांट जो है आपका भांग का है. ये हालांकि छोटा सा प्लांट है. ये जो है आपका तकरीबन एक मीटर लंबा ये पेड़ होता है और जो है इसकी मोस्टली लीव्स जो है यानी कि पत्तियां जो है इसकी जो लीव्स है ये पत्तियां जो है ये जो है पॉइजन के तौर पर या मेडिसिन के तौर पर या जो है आपका नशे के तौर पर जो है इसको लिया जाता है. इसका इस्तेमाल यानी कि इसकी मोस्टली इसकी लीव्स का इस्तेमाल जो है वो आपका पॉइजन के तौर पर जो है आपका किया जाता है. ये न्यूरोटिक पॉइजन होता है आपका वेजिटेबल कैटेगरी का. न्यूरोटिक पॉइजन होता है वेजिटेबल कैटेगरी का और ये डेलिरियंट होता है. ये डेलिरियंट होता है आपका जो दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन सा पैदा करके रखता है एक वहम सा पैदा कर देता है. तो इसको हम क्या कहते हैं भांग या कैनाबिस इंडिका कहते हैं. इसमें मैंने आपको बताया कि इसकी जो मोस्टली यूज की जाती है वो आपका लीव्स यूज की जाती है और इसकी लीव्स को आपका खाने में मिलाकर या शरबत में मिलाकर या दूध में मिलाकर या लस्सी वगैरह में मिलाकर या मिठाई में मिलाकर या पकौड़ों वगैरह में मिलाकर जो है इंसान को दे दिया जाता है. साइंस एंड सिम्टम्स. देखिए पेशेंट जो है इसको लेने के बाद अपने अंदर जो है एक अजीब जो है वो उत्साह एक अजीब खुशी महसूस करता है यानी कि प्लीज्ड महसूस करता है अपने आप को. चीयरफुलनेस होता है वेल बींग बिल्कुल फिट अपने आप को महसूस करता है. तो ऐसी कंडीशन को हम यूफोरिया कहते हैं. तो यानी कि यूफोरिक कंडीशंस जो है वो इंसान महसूस करता है और ये जो है खाने के बाद इंक्रीज मस्कुलर मूवमेंट मसल्स के मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है. इसीलिए जो है आपका जो खिलाड़ी वगैरह होता है वो डोपिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे लेने के बाद वो एक अजीब नशे में होता है और बहुत तेजी के साथ भागता है. ये खाने के बाद जो है भूख को बढ़ाता है और इसीलिए जो पेशेंट होता है वो खाना मजे ले लेकर खाता है क्योंकि यूफोरिक होता है तो खाना जो है वो आपका मजे ले लेकर खाता है. नंबर चार लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस यानी कि इसको लेने के बाद ना तो इंसान को वक्त की होश रहती है ना प्लेस का पता रहता है ना स्पेस का वो कहां पर है कहां पर नहीं. बस सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त होता है. उसको लेने के बाद हेलुसिनेशन यानी कि उसका दिमाग जो है वो आपका एक तरह से वहम का शिकार हो जाता है यानी कि पूरी तरह से वो खुश रहता है. और किसी न्यूड ब्यूटीफुल वुमेन डांसिंग प्लेइंग म्यूजिक एंड सिंगिंग एमोरस सॉन्ग बिफोर हिम यानी कि इसको लेने के बाद पेशेंट को महसूस होता है कि उसके सामने एक न्यूड बड़ी खूबसूरत लेडी जो है वो डांस कर रही है म्यूजिक बजा रही है और प्यार भरे नगमे गा रही है ऐसा उसको महसूस होता है. ड्रॉसीनेस होता है चक्कर आते हैं यानी कि दिमाग जो है वो सुस्त सा हो जाता है नींदरालू हो जाता है आदमी नींद की तरफ जाता है और जब ओवरडोज हो जाती है तो वो डीप स्लीप में चले जाता है वहां से इंसान जो है कोमा के अंदर भी चला जाता है. तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैनाबिस इंडिका. उसके बाद आता है इसका फेटल डोज. देखिए फेटल डोज जो है इसकी नोट नोन अनसर्टेन होती है थोड़ा सा भी नशा कर सकते हो ज्यादा लेने पर भी नशा नहीं कर पाएगी क्योंकि जो एडिक्ट लोग होते हैं वो ज्यादा भी लेंगे तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो एडिक्ट नहीं होते हैं वो थोड़ा सा लेने पर भी जो है वो आपका पॉइजन का शिकार हो सकते हैं. फेटल पीरियड जो इसका होता है फेटल पीरियड होता है अबाउट 12 आवर्स 12 घंटे इसका फेटल पीरियड होता है. ट्रीटमेंट देखिए ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो है आपका अगर ओवरडोज ले लिया गया है तो गैस्ट्रिक लेवेज सबसे पहले स्टोमक को खाली करेंगे उसके बाद सेलाइन परगेटिव्स को ऐसी दवाई देंगे जिससे उसको दस्त आ जाए और उसके साथ साथ जो है वो आपका आईवी फ्लूड जो है वो पेशेंट को देते रहते हैं. और चूंकि इसके अंदर इसके लेने से दिमाग के अंदर एक अजीब सी कैफियत बनती है दिमागी जो है हालत जो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है तो उसकी वजह से जो है वो एक तरह से समझिए कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है. तो ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जरूर देते हैं. ट्रैंक्विलाइजर्स भी देते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स ताकि जो है दिमाग के अंदर जो एक स्ट्रेस बना है एक दबाव बना है
उसको खत्म किया जा सके। इनके मेंटल डिस्टर्बेंस जो हुआ है उसको दूर करने के लिए हम ट्रैंक्विलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस, देखिए कैनबिस इंडिका यानी कि भांग लेने के बाद जो आपका पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस है वो कौन से पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस होंगे। देखिए इसको लेने के बाद देयर इज नो स्पेशल जो है करेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग्स, कोई खास फाइंडिंग्स इसमें नहीं मिलती है। हाँ जो है चूंकि ये आपका दिमाग को डिस्टर्ब करता है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहां पर जो है आपका एस्फिक्सिया जैसे साइंस जो है एस्फिक्सिया जैसे साइंस सिम्टम्स जो है उसके केसेस में देखने को मिल सकते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स इन कैनबिस इंडिका पॉइजनिंग या भांग पॉइजनिंग। नंबर एक, मोस्ट कॉमन एक्सीडेंटल, ज्यादातर जो है वो एक्सीडेंटल केसेस जो है इसमें देखने को मिलते हैं। नंबर टू, स्टपीफाई फॉर रोबरी, यानी कि डकैती डालने के मकसद से इंसान को बेहोश करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कोई दूसरा काम गलत काम करने के पर्पज से जो है इंसान को बेहोश करने के मकसद से इस प्लांट का या इसके लीव्स का जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है, भांग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि स्टपीफाई टू रॉबरी, डकैती वगैरह डालने के लिए। डोपिंग, डोपिंग मैंने आपको बताया कि जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो इसको डोपिंग के तौर पे लेते हैं, क्योंकि इसको लेने के बाद मस्कुलर एक्टिविटीज जो है वो आपका बढ़ जाती है, मस्कुलर मूवमेंट्स जो आपका बढ़ जाते हैं, और इसको लेने के बाद वो इंसान जो है बहुत तेजी के साथ भागता है, यानी कि ताबड़तोड़ भागता है, तो जिसको हम रनिंग एमोक कहते हैं, रनिंग एमोक कहते हैं। तो डोपिंग में जो है इसका इस्तेमाल जो एथलीट्स हैं वो ज्यादातर करते हैं। एडिक्शन प्रॉब्लम्स, कुछ लोग नशे के लिए, कुछ लोग नशा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी पत्तियों को, क्योंकि इसकी पत्तियों के ऊपर एक लार सी लगी रहती है जिसको हाथों से ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ेंगे तो वो मैल जो है वो जो इसके ऊपर लार होगी वो आपके हाथों के ऊपर आ जाती है, फिर उसको ऐसे रगड़ के इकट्ठा कर लेते हैं और वो फिर जो है सिगरेट के अंदर या किसी दूसरे तरीके से चिलम यानी कि हुक्का जो पीते हैं उसके अंदर या सिगरेट के अंदर भर के जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, तो एडिक्शन प्रॉब्लम्स जो है वो इंसान में आती है, यानी कि एडिक्शन के तौर पे यूज इन चॉकलेट्स, क्योंकि ये देखिए आपका यूफोरिक इफेक्ट रखता है, तो एक लालसा पैदा करने के लिए ताकि जो है वो बार बार खाए इंसान, तो चॉकलेट्स वगैरह के अंदर इसको जो है वो आपका मिलाया जाता है। तो ये था आज आपका लेक्चर, कैनबिस इंडिका या भांग पॉइजनिंग, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स।